तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आयो बढ़िया ही होंगे। तो यार स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो यार वीडियो में यार कमेंट कर दिया करो, अगर अच्छी नहीं भी लग रही हो और अच्छी लग रही हो तो भी कमेंट कर दिया करो। तो चलो शुरू करते हैं। तो यार मैं पहुंच गया ना, आज की कहानी कुछ ऐसी है कि शाम का समय था, हल्की हल्की सी हो रही थी ठंड, तो भाई मैं पहुंच गया अपना गाजियाबाद के अंदर कवि नगर सी ब्लॉक के अंदर। तो सी ब्लॉक में मैंने जैसे एंट्री करी तो मैंने वहां पे नजर पड़ी कि एक स्टॉल ओपन हुई है, जिस स्टॉल का नाम है पॉकेट कुलचा। अरे भाई पॉकेट कुलचा भाई मैंने देखी तो भाई मुझे तो क्रेविंग होती है भाई, कोई भी नई चीज खुली है अपने एरिया के आसपास, मतलब गाजियाबाद के आसपास, तो मैं पहुंच जाता हूँ भाई। तो पॉकेट कुलचा नाम की एक स्टॉल दिखी मेरे को भाई, मैं वहां पहुंच गया। तो पहुंचने के बाद सबसे यूनिक चीज क्या लगी और अमेजिंग चीज क्या लगी मेरे को, उनके पास तीन तरीके के कुलचे हैं, जिसका नाम है मस्त कुलचा, लाजवाब कुलचा और एक और कुलचा है जिसका नाम आपको जाके ही पता करना पड़ेगा। चलो मैं बता देता हूँ, गजब कुलचा, मस्त, गजब और लाजवाब, तीन तरीके के कुलचे हैं जी इनके पास। तो उसी कुलचे में से एक मैंने भी ऑर्डर कर दिया अपना मस्त कुलचा। तो भाई मस्त कुलचा अपना बनना तैयार हुआ, सबसे पहले आ गया उनका कुलचा, कुलचे की जो बन है भाई, मतलब कुलचे की जो ब्रेड है ना भाई, ब्रेड कुलचे की ब्रेड उन्होंने भैया ने बताया कि वो खुद बेक करते हैं भाई, खुद बनाते हैं। और जब मैंने लिटरली खाया था ना भाई, बहुत सॉफ्ट थी, मतलब ऐसा थी कि आप अगर बाइट करोगे ना तो मुंह में ही घुल जाती है भाई। तो भाई मस्त कुलचे में अपना चीज वीज और मसाले वसाले डाल के अपना सिक गया। तो ये आप देख सकते हो, ये आ गया अपना मस्त कुलचा भाई, हरी चटनी वटनी एकदम बेहतरीन बना रखा भैया ने। उसके बाद जब मैंने इसकी बाइट ली, ओए होए होए, मतलब ऐसी कुछ नई चीज है भाई, ऐसा टेस्ट तो मैंने खाया नहीं था। और प्राइस भी बहुत रीजनेबल है, 50 का था मेरा वाला, तो बाकी 60 50 के आसपास है। तो यार आप एक बार ट्राई कर सकते हो, और यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना यार, और जो यार चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना यार।